जैसमंद लेक पे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी लेक है, आप जिसे देख सकते हैं। जैसमंद लेक जो है ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मैन मेड है। बहुत बड़ी ये लेक है, 102 फीट इसकी डेप्थ है और इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो 48 किलोमीटर लंबी है। इस पे छोटे बड़े टोटल 7 आइलैंड्स हैं, 7 टापू हैं। जैसे कि आप देखो एक वो जो टापू दिखेगा आपको एक लास्ट में, वहीं पे जैसमंद आइलैंड रिसोर्ट जो काफ़ी फेमस है वो यहाँ पे है। अब इतनी जगह पे, अच्छी जगह पे आए हैं तो थोड़ा इंस्पिरेशन की बातें भी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है किसी भी इंसान के लिए, जो उसको सबसे अलग बनाती है, एक सक्सेसफुल इंसान को सबसे अलग बनाती है, वो है उसका एटीट्यूड। कहते हैं ना कि एटीट्यूड इज़ अल्टीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, अगर आप में लड़ने की क्षमता है, गिर के फिर उठने की क्षमता है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप सीख सकते हो नेचर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप बताइए कि हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल। वी ऑल नो दैट लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल, बट लॉयन इज नॉट द हैवीएस्ट एनिमल। सबसे भारी एनिमल कौन होता है? हाथी होता है। इज़ नॉट द मोस्ट कनिंग एनिमल, सबसे चालाक भी नहीं है वो लोमड़ी होती है। सबसे लंबा भी नहीं है वो जिराफ होता है। फिर भी लॉयन जो है वो किंग ऑफ जंगल बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं उसके एटीट्यूड के कारण। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि लड़ने का एटीट्यूड, किसी से भी संघर्ष करने का एटीट्यूड, जिसके कारण सब लॉयन का रिगार्ड करते हैं। तो लाइफ में हमारा एटीट्यूड है वो शानदार होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय लॉयन कैन डिफीट एन आर्मी ऑफ लॉयन लेड बाय शिप। मतलब एक भेड़ों की फौज को अगर एक शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकता है जो फौज शेरों की और उसको भेड़ लीड कर रही हो, और समझे आप। तो साथियों, मतलब एटीट्यूड आपका लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड आता है आपके बिलीफ सिस्टम से। आप क्या सोचते हो, आप किसी भी सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो, उसको एज एन प्रॉब्लम लेते हो, तो आपका जो सोच है, आपका बिलीफ सिस्टम है, वो होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ को एज ए पॉजिटिव लीजिए। आप चीज़ों से आप संघर्ष कीजिए, लड़िए, हार ना माने। गिर गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से आप उठ खड़े होइए। एक्चुअली होता क्या कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है। उसका कारण होता है कि हमारी कंडीशनिंग जो है, जो बचपन से हम लोगों की कंडीशनिंग क्या है, कि हमारी कंडीशनिंग है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही लूजर्स बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ठीक है, सब हमको यही सिखाते हैं बचपन से, तो वही हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है। लेकिन आप देखिए कि रियल में there is no limit to any human being, there is immense potential in every human being. आप भंवरे का example जानते हो, ठीक है, तो वायु का सिद्धांत बोलता है कि भंवरा कभी उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं, जो पंख होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, those are too light to lift his body. बट आप देखिए, भंवरा किसी क्लास में गया नहीं जहाँ उसको ये पढ़ाया गया हो कि तू उड़ नहीं सकता, और वो मस्त उड़ता है, ठीक है। Again, thanks all my friends. Thank you.